गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए और लाइक आप लोग IBPS RRB PO और क्लरिकल को लेके मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे। यार क्लरिकल की तो अभी मतलब 2 हफ्ता या उससे भी काफी कम टाइम बाकी है, तो आप लोग उसकी मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे। उसके अलावा बहुत लोग के मेरे को मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे या मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे, और वो लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपनी मॉक टेस्ट का स्कोर का। भाई की स्कोर भाड़ नहीं रहा। मैं जब उनकी मॉक टेस्ट देखता हूँ मैं उनको सीधा रिप्लाई देता हूँ, भाई मॉक कौन सी तुम दे रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो। उसके बाद कुछ लोग ऐसे कलंदर होते हैं जिन लोग का स्कोर 80 में 72 74 आता है, जब परसेंटेज भी 99 के ऊपर रहता है। वो लोग मैसेज करते हैं, भाई स्कोर बढ़ नहीं रहा, मतलब मैं को समझ नहीं आता भाई तुमको और क्या चाहिए। थर्ड थिंग ऐसी है कि कुछ लोग के मैसेज ये आते हैं कि भाई स्कोर काफी स्टैग्नेंट हो चुका है, क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, आपको काफी हेल्प होगी वीडियो से। यदि आपको लगे कि भाई जेन्युइन चीजें बताई हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, और मेरे को आप इंस्टाग्राम नितिन सिंह 141294 पे फॉलो कर सकते हो यदि आपको उससे पर्सनल बात करनी है, और टेलीग्राम ग्रुप नितिनकानिरीक्षण इसको ज्वाइन कर लेना, काफी हेल्प होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई लोग मेरे को पूछ रहे कि भाई स्कोर जो है काफी कम है, तो मैंने ना 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी RRB क्लरिकल को लेके, जहां मैंने ये बताया था कि मैंने कैसे 45 वाले स्कोर को कन्वर्ट किया 77.75 एक्चुअल RRB क्लरिकल एग्जाम में। तो वो वीडियो को जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है जिसको लोगों ने फॉलो किया, और भाई लोगों के मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ तो भाई थैंक यू सुनने मिल रहा है। ये नहीं कि अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मेरे को अच्छा लगेगा यदि आप वो वीडियो देखोगे और आपको उससे हेल्प हो, क्योंकि बहुत लोग को हेल्प हो चुकी है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी चॉइस आप लोग की है, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जरूर उसको देखना और करना फॉलो कि क्या है। सेकेंड चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाई स्कोर लेके आ रहे हैं तो फिर भी उनकी फटी पड़ी है, मतलब फट के 4 हो चुकी है, तो उन लोग को मैं एक चीज बोलूंगा, भाई कभी कभी सचिन भी 900 मारता है मगर कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट कंटिन्यू दो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। थर्ड थिंग, कुछ लोग बोल रहे भाई कि स्कोर स्टैग्नेंट हो चुका है, तो स्कोर स्टैग्नेंट हो चुका है तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा इम्प्रोवाइज करो अपनी। ओवर वीडियो देखना, क्या पता आपको हेल्प हो जाए। उसके अलावा बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि भाई लास्ट के 10 दिन में क्या करना चाहिए और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम आपको 2 मॉक टेस्ट कम से कम देनी है क्लरिकल की, कम से कम 2 मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट तो ऐसी जो कि आपका, जैसे मेरा टाइम है RRB PO का 10:15 का, PO का बता रहा हूँ, तो मैं एक मॉक टेस्ट मेरे को पता है 10:15 की है, तो 11 बजे मेरे को एक मॉक टेस्ट देनी, क्योंकि 11 बजे मेरी एग्जाम स्टार्ट होगी एक्चुअल एग्जाम में, और एक मॉक टेस्ट मैं कभी दे सकता हूँ। सेम ये तो हो गया मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रैक्टिस के लिए कहाँ से कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। देखो प्रैक्टिस के लिए गाइडली से बढ़िया पेड प्लेटफॉर्म कोई भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब मैं बोलूँगा उनका जो बंडल PDF कोर्स है बहुत लोग उसको यूज करते हैं, उसमें कैसा है ना आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब उसके अंदर जो उनका कंटेंट है अलग लेवल पे सेटअप किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसको यूज कर रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ। उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स में आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो उनका बंडल PDF है वो उसमें इंक्लूडेड है। थर्ड थिंग क्या है, उसमें आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिलेगा। चौथी चीज, लास्ट ईयर की पूरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स और ये साल के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनका कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और यदि कहीं भी अटक रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा, तो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यार इतना सब कुछ 1000 रुपये उससे भी कम है, और वैसे भी उनका भी ऑफर चल रहा है 90% ऑफ का, और मेरा कूपन कोड ऐड करो डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो बस यही बोलना था कि मैंने जो चीज़ें करी हैं मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरा RRB क्लर्क का एग्जाम नहीं है, मेरा PO का है, बट स्टिल अगर मेरे कारण किसी की हेल्प हो जा रही है तो आई एम ब्लेस्ड, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना और काफ़ी आपको हेल्प होगी, इस चीज़ की मुझे गारंटी है। और लास्ट में मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते तब तक के जय श्री राम, राम राम।